वालेकुम एवरीवन. ओके गाइस, तो दिस इज़ द रिवीजन लेक्चर फॉर फैमिली प्लानिंग चैप्टर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन. आपको पता है कि ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं सारी ही चैप्टर्स के ऑलमोस्ट रिवीजन लेक्चर्स दूंगी. अब रिवीजन लेक्चर का मकसद ये है कि मैं आपको सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो साथ साथ बताती जाऊँ कि ये वाली आती है, ये वाली नहीं आती, और एक आपको अगर 10-15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करना है तो वीडियो से हो जाएगा, ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ. अब पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कम्युनिटी मेडिसिन में आपको पता है छोटी छोटी बातें जो है वो एमसीक्यूज़ में आ जाती होती हैं. लाइक आपको बहुत सिंपल सी बात होती है लेकिन वो एमसीक्यू में उठा के दे देते हैं और आपको गौर से नहीं पड़ी होती, तो इस किस्म की सारी बातें मैं हाईलाइट कर दूँगी. ये वाली चीज़ आपने ध्यान से करनी है, ठीक है. अच्छा, तो फैमिली प्लानिंग की सबसे पहली जो डेफिनेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एमसीक्यू वाइवा एसीक्यू हर चीज़ के लिए आती होती है, ठीक है, कि हमारे पास उसकी डेफिनेशन में आपने वही लफ्ज लिखने हैं कि इट इज़ द वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग दैट इज अडॉप्टेड वॉलेंटरली, ठीक है. वे ऑफ थिंकिंग है जो वॉलेंटरली अडॉप्ट किया है. किसने अडॉप्ट किया है, बल्कि किस तरह अडॉप्ट किया है, बाय देयर नॉलेज, बाय देयर जो हम रिस्पॉन्सिबल डिसीजन. और किसने, इंडिविजुअल्स ने और डिफरेंट कपल्स ने किस लिए किया है, ताकि हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द फैमिली एंड कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट किया जा सके. तो फैमिली प्लानिंग ज़ाहिर इसीलिए की जाती है ना, ताकि नॉर्मल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो और कम्युनिटी पे भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े, और डेफिनेटली जिसको नॉलेज होगी वही करेगा. तो डेफिनेशन आपने वर्ड बाय वर्ड याद कर लेनी है. ऑब्जेक्टिव्स आपसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं उसमें, आपके वाइवा में, और एसीक्यू भी कभी कभी आ जाता है, कोई मुश्किल बात नहीं है. वांटेड बर्ड्स हो, अनवांटेड बर्ड्स ना हो, एज ऑफ द पेरेंट्स को हम डिटर्मिन करें जिसमें होनी चाहिए, क्योंकि बाद में अगर लेट फीमेल एज हो तो आपको होता है कि आपके जो सिंड्रोम्स का रिस्क बढ़ जाता है. बस ये ऑब्जेक्टिव्स हैं. अब एम इसका क्या है, एम है कि इम्प्रूव करें हम क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल. याद रखना ऑब्जेक्टिव्स और एम्स में डिफरेंट, इस छोटे से लफ्ज़ को डिफरेंस दे के वो एमसीक्यू में आपसे पूछ लेते हैं. ऑब्जेक्टिव्स आपके ये हैं कि हमारे मकसद क्या क्या हैं, कि हमने मतलब क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव वो है, ठीक है. और एम हमारा मेन मकसद है जिसको हम लाइक जो इस सारे का आप समझ लें कि कट शॉर्ट करके बनता है, वो यही है कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करना चाहते हैं अपनी नेशन के लोगों की. क्यों, क्योंकि अगर उतने ही लोग होंगे जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो डेफिनेटली हर बंदे को अच्छे रिसोर्सेज मिल सकेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी तो रिसोर्सेज लिमिट हो जाते हैं. तो एम और ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस याद रखें. एलिजिबल कपल की डेफिनेशन हर दफ़ा पूछते हैं हर तरीके से एमसीक्यू वाइवा एसीक्यू में, कि व्हाट इज़ द एलिजिबल कपल, वो कपल जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव एज में है और मैरिड कपल है. डेफिनेटली एक मियाँ बीवी जिसमें फीमेल की एज 15 से लेकर जो रिप्रोडक्टिव एज आपकी 49 ईयर्स तक कंसिडर की जाती है उसमें होगी, वो सारे एलिजिबल कपल्स हैं. किस चीज़ के लिए एलिजिबल है, फैमिली प्लानिंग का पता होने के लिए. इन सब की फीमेल जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव एज में, उन सबको फैमिली प्लानिंग का पता होना चाहिए. और टारगेट कपल का मतलब है कि जिसको हमने टारगेट लाजमी करना है, कि मतलब दिस इज़ द नेसेसरी वन, वो है. पहले की बात में कहा जाता था वो लोग या वो कपल्स जिनके 2-3 बच्चे हैं ऑलरेडी, वो तो टारगेट कपल्स हैं कि मजीद वो ताकि फर्टिलिटी ना करें और उनकी फैमिली उधर ही स्टॉप कर दें. और अब इस डेफिनेशन में उन्हें ये कह दें कि टारगेट कपल इज़ एवरी कपल, यानी मेल फीमेल जिसके एक बच्चा भी हो चुका है वो टारगेट है, यानी उसको तो लाजमी काउंसिल करना है. न्यूली वेड की फिर भी खैर है, लेकिन जिसका एक भी है उसे लाजमी करना है. तो आपने दोनों बातें मैंशन करनी है कि पहले 2-3 होते थे और एक कपल हो गए. CPR इज़ द आपका जो कपल प्रोटेक्शन रेट है, कि आपको पता चलता है कि कितने आपके ऐसे एलिजिबल कपल्स हैं, यानी कि जिनको फैमिली प्लानिंग का पता होना चाहिए, उन टोटल में से कितनों को पता है, यानी कि वो प्रोटेक्टेड हैं, यानी कि वो कोई ना कोई आपका कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड इस्तेमाल करते हैं. तो इसको आपके कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि नंबर ऑफ कपल्स हु आर यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल कपल्स, तो वो आपका कपल प्रोटेक्शन रेट आ जाता है. आइडियल जो है वो 60% होना चाहिए, हम पाकिस्तान में इट इज़ लेस देन लाइक 45-50% है, ठीक है. ये आपसे सारी बातें एमसीक्यू वाइवा में पूछते हैं. अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द क्लासिफिकेशन. आपके पास बिल्कुल सही से बुक में लिखे हुए हैं, आपके समय से इंपॉर्टेंट बातें बता दी जाती है. क्लासिफिकेशन किस चीज़ की, आपके जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसीज को इनफर्टिलिटी को रोक सकते हैं, वो क्लासिफिकेशन है. हमने वही करनी है जो हमारी बुक जेई पार्क में गिवन है, या फिर आप कह सकते हैं कि WHO एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है. दो तरह से उन्हें ब्रॉड इसको किया है, वो मेथड्स जो स्पेसिंग देते हैं, यानी कि टेम्प्रेरी मेथड्स हमारे होंगे कॉन्ट्रासेप्शन के. स्पेसिंग का मतलब ये है कि एक से दूसरी बर्थ के बीच में थोड़ा गैप आ जाएगा इनकी वजह से, लेकिन परमानेंटली फर्टिलिटी है फीमेल की उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. स्पेसिंग मेथड्स ज़्यादा टेम्प्रेरी मेथड्स. टर्मिनल मेथड्स वो हैं कि जो एक दफ़ा हो गए तो उसके बाद फर्टिलिटी ख़त्म है बिल्कुल, जिसके बाद आप कोई भी दूसरा चांस नहीं होता हमारे पास, ठीक है. मतलब एंड ऑफ द फर्टिलिटी है, टर्मिनल मेथड उसको कहते हैं. और जाहिर सी बात है वो कपल्स तभी करवाते हैं जब उनके 2-3 बच्चे हों, उससे पहले वो नहीं एक्सेप्ट करते. अच्छा, अब स्पेसिंग मेथड को देखते हैं. स्पेसिंग मेथड में हमारे पास 5 हो रहा है, बैरियर मेथड्स, IUCDs, हार्मोनल मेथड्स हैं, पोस्ट कंसेप्शनल और कुछ मिसलेनियस हैं. इस वीडियो में मैं आपको ये 3 सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ बता देती हूँ. ओके, स्टार्टिंग में तो बैरियर मेथड, आपको पता है कि बैरियर का मतलब ये है कि जो हमारे पास
जो इंटरकोर्स की एक्ट है उसके दरमियान में हम कोई बैरियर लगा दें, हम कोई ऐसा बीच में चीज़ ले आए, कोई एक ऑब्जेक्ट ले आए जिसकी वजह से आपका जो स्पर्मिसाइड फ्लूइड होता है, जो सीमन होता है, वो डायरेक्टली अंदर जा ही ना सके इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक, ठीक है। वो सारे बैरियर मेथड्स आते हैं, बहुत सिंपल है, इसकी तीन आते हैं। इसमें फिजिकल मेथड्स में वी हैव कंडम्स, वेरी वेरी कॉमन। आपको वो अक्सर अवकात फिजिकल मेथड में जो कंडम्स हैं उनसे वो क्वेश्चन पूछते होते हैं कि भाई ये बहुत कॉमन मेथड है, इसके एडवांटेजेस बताएं। तो इसमें अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, ये जितने मेथड्स भी हम पढ़ेंगे ना, मतलब ये आगे तक वो आपसे हर मेथड का एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ लेते हैं। आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ याद ये रखना है कि मेथड क्या है और उसमें मतलब क्या क्या इस्तेमाल होता है, लेकिन आप उसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली वो भी एमसीक्यू में आ सकता है। उसके बाद उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है ना, वो सिर्फ एक तो आप इंपॉर्टेंट वालों के चलो ज़्यादा गौर से देख लें, बाकियों के खुद बना लिए, अगर इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं। अब सबको पता है, जाहिर सी बात है कि कंडम इज जस्ट अ रबर टाइप मटेरियल की डिवाइस है, वो टियर ऑफ हो सकती है। अगर उसके एडवांटेज कोई पूछेगा, वो चीप है, इजीली अवेलेबल है, आराम से इस्तेमाल हो सकता है, कोई सुपरविजन की जरूरत नहीं है, और ये सारी बातें उसके एडवांटेज होंगे। डिसएडवांटेज के वो टियर हो सकता है, फेलियर रेट है, सो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। अच्छा, फिजिकल में पहला कंडम आ गया, दूसरा कंडम्स के बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो है डच कैप, उसको कहते हैं। डच कैप एक प्लास्टिक है, रबर की कैप होती है, जो फीमेल ने अपने वजायरा में फिक्स करनी होती है। तो वो आपकी उसमें से जो एमसीक्यू आता है वो ये कि कितनी देर तक उसको अपनी जगह रहना चाहिए, तो 6 to 8 hours ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो कैप उससे पहले रिमूव कर ली जाएगी तो फिर फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो तीसरा फिजिकल मेथड में आता है वो वजाइनल स्पॉन्ज है। वो आपके पास एक ऐसा मटीरियल है जिसके अंदर ऑयल या टाइप की चीज़ कोई फिक्स हुई हुई होती है, जैसे नहीं होता स्पंज हमारा नॉर्मल, तो वो आप वजाइना में जब फिक्स कर लोगे तो सीमन कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू इट, ठीक है। तो उसमें कोई 6 to 8 hours वाली बात नहीं है हमारे पास। ये हो गया फिजिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके स्पर्म्स को या तो मार देगी, जो केमिकल टाइप चीज़ होगी, या फिर अंदर जाने से रोक देगी। जितने भी आपकी आप खुद सोचे केमिकल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्रीम्स आ सकती हैं, सपोजिटरीज आ सकती हैं, कोई जेली लाइक फ्लूइड होगा, कोई पेस्ट्स होंगे, ठीक है। और इन सब का जो जनरेट मैकेनिज्म वो यही कि ये स्पर्म को पेनिट्रेट नहीं होने देती। क्रीम कहीं भी होगी तो वो रास्ते में किसी चीज़ को रोक लेगी ना, और उसकी ऑक्सीजन जब स्पर्म को नहीं मिलती क्रीम में, क्योंकि वो इंट्रैप हुआ हुआ होता है, तो उसकी वजह से वो उसकी डेथ हो जाती है। तो यही इनका मेन एक्शन है, लेकिन इनको ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है और फेलियर रेट काफ़ी ज़्यादा, इसलिए छोड़ देते हैं। तो बैरियर मेथड में दीज आर द मेन थिंग्स। कंबाइंड मेथड ये हैं कि फिजिकल और केमिकल दोनों कंबाइन कर लो तो कंबाइन हो जाते, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। IUCDs बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द मतलब मेन कंसर्न जो आपका होना चाहिए वो इनके साथ होना चाहिए, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज जो फीमेल्स इस्तेमाल करती हैं। आपसे पूछते हैं वो सबसे ज़्यादा आपके पास इसी क्यों में क्वेश्चन आता होता है कि एक आपके पास कपल आया जिसके शायद एक दो बच्चे थे या फिर नहीं थे, और वो 4-5 साल के चाह रहे थे कि उनको कोई सेफ जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या चीज़ बताई जाए, मेल कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? तो टैबलेट्स उसमें आप कह देते हैं फीमेल भी अनमोटिवेटेड है, टैबलेट्स शायद वो मतलब इस तरह की कोई चीज़ आपको सिनेरियो में बता देते हैं कि भाई टैबलेट भी आपने नहीं देनी। क्योंकि अगर देखा जाए ना तो सबसे इफेक्टिव जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है वो आपका ये हार्मोनल मेथड कंसिडर किया जाता है जो स्पेसिंग मेथड्स में है, ठीक है। हार्मोनल मेथड का मतलब हमारे पास टैबलेट्स होती हैं वो सबसे सेफेस्ट हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द रीज़न कि अगर वो नॉर्मल नहीं ली जाएंगे तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। उससे बेहतर फिर IUCD होती है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज होती हैं जो कि इंसर्ट कर दी जाती हैं इनसाइड द यूट्रस, और उसके बाद फिर वो 4-5 साल के लिए आराम से दे देती हैं हमें प्रोटेक्शन। अच्छा जी, तो IUCDs को ना हमने 3 generations में डिवाइड किया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट है आपकी वो बिल्कुल नॉन मेडिकेटेड होती है, और जो सेकंड और थर्ड है उनको हम मेडिकेटेड में कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सबसे ज़्यादा MCQ SCQ IUCDs से आते हैं। इंट्रा यूट्राइन कॉन्सेप्टिव जो फर्स्ट जनरेशन है ना, वो ये है कि सिंपल आपकी एक मटीरियल होता है जिनको हम लिपी लूप्स कहते हैं, और डिफरेंट शेप्स में आती हैं। उनका मकसद ये होता है कि दे आर बिल्कुल नॉन मेडिकेटेड, सिंपल ये होता है कि पोलीइथाइलीन या पोलीइथेन की बनी हुई रबर टाइप एक चीज़ होती है जो आप यूट्रस में इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। वो इंसर्ट जब होगी तो वो एक फॉरेन बॉडी रिएक्शन वहाँ पे करेगी, आपको पता है फॉरेन बॉडी से हमारी बॉडी फेमिलियर नहीं होती, उसके रिजल्ट में यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है, आपको पता है यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग इज एंडोमेट्रियम, उसमें लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी, डीमा होगा थोड़ा बहुत, उसकी वजह से फर्टिलाइज्ड ओवम अगर आ भी जाएगा तो वहाँ पर इम्प्लांट नहीं हो सकता, ठीक है, और ना ही फर्टिलाइजेशन के भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ये फर्स्ट जनरेशन है, मेरे पास कोई इनमें मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक सिंपल इनर्ट सा मटीरियल है, बहुत इनर्ट भी नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक इनर्ट होता है कि ये इन्फ्लेमेशन सिर्फ इतनी ही कॉज करता है कि वो लोकल रहे और ज़्यादा फैले ना, लाइक ऐसा नहीं होता कि पेशेंट को इन्फ्लेमेशन के सिस्टेमिक सिम्टम्स आने लग जाए, फीवर हो जाए, और ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बात है इनसे MCQ आता होता है कि बेरियम सल्फेट हमने इसमें डाला हुआ है थोड़ी अमाउंट में, मतलब कभी वो पूछ लेते हैं क्या डाला हुआ है और कभी पूछ लेते हैं कि क्यों डाला हुआ है। तो बेरियम सल्फेट थोड़ी अमाउंट में होता है, वो इस वजह से होता था कि अगर हम एक्सरे से ऑब्जर्व करना चाहें तो बेरियम सल्फेट जहाँ होगा हमें उस जगह की पिक्चर मिल जाएगी।
सेकेंड जनरेशन आई यू सी डीज वो हैं जो कॉपर कंटेनिंग आई यू सी डीज हैं, कॉपर टी इसमें होते हैं, इनकी शेप इस तरह की होती है, टी शेप, जिस तरह यूट्रस की नहीं होती, ऐसे करके यूट्राइन कैविटी में फिक्स हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इनमें क्या है, ये कॉपर कंटेनिंग है और इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कॉपर इनमें से रिलीज होता रहता है और उसकी वजह से ये लोकल इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, मतलब कॉपर इनको इसको काइंड ऑफ आप समझ लें कि एंडोमेट्रियम की एट्रोफी भी थोड़ी बहुत कर देता है और सर्वाइकल म्यूकस जो एंडोमेट्रियम के साथ आगे होगा उसको भी थिक कर देगा। इंपॉर्टेंट बात इसमें से क्या है, इसमें से एमसीक्यू आता है आपका, जो न्यू डिवाइसेस आपकी बुक में जितनी लिखी हुई हैं उनने लिखे हुए वेरिएंट्स है, कुछ टी सी यू टू टी ट्वेंटी नोवा टी लिखी हुई है, मल्टी लोड डिवाइसेस लिखी हुई हैं, वो आपसे सारी देखे पूछते हैं इनमें से सबसे अच्छी कौन सी है। तो जो मल्टी लोड डिवाइसेज हैं जिनमें एम एल सी यू 250 ये सारी बुक में इन्यूमरेटेड है, एक्सेल में भी हैं, पार्क में भी हैं, आप एक्सेल से कर लें इनफ है। एम एल सी यू 250, एम एल सी यू 375, ये 375 वाली सबसे अच्छी होती है, ठीक है। और फिर वो आपसे ये पूछ देते हैं कि हमारे पास इसमें जो कॉपर टी वाली डिवाइसेस हैं इनके एडवांटेजेस क्या हैं, बुक में एज इट इज़ लिखे हुए हैं कि इजी टू प्लेस है, फ्लान फ्लान है, वो याद कर लेने हैं। जो थर्ड जनरेशन है ना वो ज़्यादा मेडिकेटेड होती है इस तरह से कि वो आपका हार्मोन भी रिलीज़ करती है, लाइक एक डिवाइस इंसर्ट करें वो हार्मोन भी रिलीज़ करेगी, और उसकी दो फॉर्म्स हैं, एक है प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्टासर्ट डिवाइस होगी जो कि रिलीज करेगी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करते हैं कि सर्वाइकल म्यूकस को और एंडोमेट्रियम को बहुत थिक कर देते हैं, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती। दूसरी डिवाइस जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई थर्ड जनरेशन से बिलोंग करती है वो है माइरीना, आपने याद रखना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे वाइवा में बहुत पूछते हैं, माइरीना नाम है और ये है लिवोनॉर गेस्ट्रल रिलीजिंग। ये कहने में प्रोजेस्टासर्ट से भी अच्छी है, जो माइरीना है ना ये आपका बेसिकली लिवोनॉर गेस्ट्रल रिलीजिंग है, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टीरॉइड रिलीजिंग डिवाइस जो 5 साल तक रह सकती है, एक्सपेंसिव होती है, हर बंदा इसको नहीं लगवाता, लेकिन इसके फायदे ज़्यादा हैं क्योंकि ये भी इसका भी एक्शन वही कि लोकल इन्फ्लेमेशन करवा के ना तो उस जगह पर इम्प्लांटेशन को रोक देती है, लेकिन इससे एक टॉपिक प्रेगनेंसी का रिस्क बहुत कम होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इससे थोड़ी कम हो जाती है और इसका फेलियर रिस्क बहुत कम है, लेकिन ये थोड़ी एक्सपेंसिव है। ये बुक मैंने लिखी हुई इसको याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर आपके पास जो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि वो कहते हैं कि हमारे पास जो पेशेंट है जिसको हमने देनी है आईयूसीडी वो हाइपरटेंसिव है, कौन सी देंगे? तो जो प्रोजेस्टासर्ट है ना, जो थर्ड जनरेशन आईयूसीडी है, वो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को भी दे सकते हैं, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अच्छा, बाकी अगले पार्ट में मैं बताती हूँ आपको हार्मोनल मेथड से, अभी तक कोई मसला हो गया ना। थैंक यू।